कौन है बोरिंग वे चाचा जी पानी गरम है कि ठंडा है गरम है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो। मेरा नाम तैयब हसन और मैं गर्म मोहब्बत से बिलोंग करता हूं और आज मैं इधर आया हूं अपने घर डेरा इस्माइल खान का एक तहसील है तहसील दराबन ठीक है। उसमें मेरे कोई दोस्त थे मेरे कज़न थे उन्होंने सोबत का प्रोग्राम बनाया और हमें इनवाइट किया तो आप लोगों को उस जगह का विज़िट करवाते हैं और दोस्तों से भी मिलवाते हैं और जो सीन है जो माहौल है वो भी आपको दिखाते हैं आप लोग चेक करें। और उस जगह के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात वो ये है कि इधर बोरिंग लगा हुआ है जो कि ओवरफ्लो उसको कहते हैं यानी कि उसकी कोई मशीन कोई सिस्टम कोई वो नहीं है वो ऑटोमेटिक जैसे होता है ना ज़मीन से पानी निकलता है ना वो रात दिन यानी कि बहता ही रहता है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत माहौल दिखा देते हैं, देख सकते हैं हर तरफ यानी कि ये जंगल ही 2-3 किलोमीटर के जो अहाते में है ना यही सीन आपको नज़र आएंगे। सामने देख सकते हैं जिस जगह पे बैठे हैं उन दरख्तों ने उस जगह को घेरा हुआ है चारों तरफ दरख्त हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्त से ना यानी कि वो तो ये वही बोरिंग है जिसका मैंने आपको बोला था कि ओवरफ्लो यानी कि कोई मशीन वगैरह नहीं लगी वो ज़मीन से पानी निकलता है। करीब जाके आप दिखाते करियाते ठीक हो खुश रहो ठीक है। वो बोरिंग है जो कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल यानी जिसका पानी ओवरफ्लो बह रहा है आप लोगों के सामने इसकी कोई इधर मशीन वगैरह कुछ भी नहीं लगा और ये रात दिन बहता रहता है। इसी के साथ आप लोग ये देख सकते हैं यानी कि अंदर से एक ये जो है ना इधर पानी इकट्ठा होता था जो बोरिंग का था और यहाँ से फिर पैप लगे हुए थे ज़मीन जितने 2-3 किलोमीटर के अहाते में फिर यहाँ से पानी सारी ज़मीनों को लगता। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। सोहेल भाई कैसे हो खैरियत है ठीक है माशा। अब्दुल्ला भाई कैसे हो अपना रमजान भाई खैरियत। लोगों को इस जगह का थोड़ा सा माहौल दिखा देते हैं आओ आप लोग मैं आपको विजिट करवाता हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा जंगल का माहौल दिखा देते हैं इधर यानी कि बिल्कुल इधर दरख्त आपको देखने को मिलेंगे और चारों तरफ जो है ना हरियाली आप लोगों को नजर आएगी। ये एक जगह है आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इधर दरख्त झुके हुए हैं और तो आओ आप लोगों को और थोड़ा बहुत माहौल दिखा देते हैं इस जगह का। मेरा कैमरा मैन आप लोगों को दिखा सकता है कि यहाँ चारों तरफ आप लोगों को जो है कि दरख्त नजर आएंगे। ये सोहेल तेरे गिले करें दे कना दे इधर शहल है देख दी पारा परम से खमोश किस बक वो शाद हो गए रोटी से सोचो बड़े बैठते हैं